हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहिणी एंड यू आर वाचिंग ट्रिक्स फॉर यू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है कोरोना वायरस। टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका होगा, कोरोना वायरस ने चीन में मौत का कहर मचाया हुआ है और ये जो खतरा है वर्ल्ड के बहुत सारे देशों तक पहुंच चुका है। भारत में दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर में एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग मशीन की व्यवस्था की गई है, जिससे चीन से लौटने वाले यात्रियों की स्पेशल तरीके से जांच होगी और अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड मिलता है तो उनको अलग तरीके से हेल्थ केयर मिलेगी। कोरोना वायरस क्या है, कैसे शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो जरूर शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसकी सारी जानकारी उन तक पहुंच सके। एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है, बट इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि 2019 के आखिरी दिनों में चीन में वुहान से नॉनवेज मार्केट से इस वायरस का फैलना शुरू हुआ है। यहाँ पे जंगली जानवरों को बेचा जाता है और ये जो वायरस है नॉनवेज खाने वालों के जरिए फैल रहा है। साथ में ये आशंका बताई गई है कि बिच्छू और चूहों के जरिए भी इस वायरस का फैलना शुरू हुआ है। कोरोना वायरस से चीन में 105 लोगों की मौत हो चुकी है और धीरे धीरे 4000 से भी ज्यादा लोग इससे पीड़ित है। कोरोना वायरस जो है वो कैंसर से भी बहुत खतरनाक है। सो आइए जान लेते हैं कि इंसानों को ये वायरस कैसे इफेक्ट करता है। कोरोना वायरस का नाम आपने बियर के ब्रांड में सुना होगा, सॉफ्टवेयर में सुना होगा या सूरज के प्लाज्मा के तौर पे सुना होगा, बट वायरस के तौर पे ये अभी काफी चर्चे में है। भारतीय रिसर्च में ये माना गया है कि कोरोना वायरस जो है वो सांपों के जरिए इंसानों में पहुंच चुका है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों के लेटेस्ट रिसर्च में ये पता चला है कि ये जो वायरस है वो चमगादड़ों से सांपों तक पहुंचा है और सांपों से इंसानों में पहुंच चुका है। सूप यानी चमगादड़ों का सूप हमारे लिए आम तो नहीं है, बट चीन में वुहान में बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है और इसी के जरिए ये वायरस है वो सांपों तक पहुंचा है और सांपों से ये इंसानों में पहुंच चुका है। तब इस वायरस के सिम्टम्स पे रिसर्च किया गया है बट इसका इलाज अभी तक आया नहीं है। जब हमारा शरीर कोरोना वायरस के कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारे शरीर के सेल्स इस वायरस से जल्दी अटैच हो जाते हैं और जब ये वायरस हमारे शरीर के सेल्स पे ऊपर जुड़ जाते हैं तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे इस वायरस का फैलना शुरू हो जाता है। देखते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स बहुत ही आसान है, बुखार, जुखाम और खांसी, और धीरे धीरे ये वायरस आप पे हैवी हो जाता है और सांस लेने की भी तकलीफ हो जाती है। जानते हैं इस वायरस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस वायरस से बचने के लिए कुछ उपाय सजेस्ट किए हैं। पहला, आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है हर आधे घंटे में। सेकंड, आपको मास्क यूज करना है। थर्ड, अगर आपके यहाँ पे कोई बीमार व्यक्ति है तो उनसे फिजिकल कॉन्टेक्ट ना करें। फोर्थ, अगर आपको प्रॉब्लम है सांस लेने में, जुखाम है या खांसी है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फोर्थ, आपको जानवरों से दूर रहना है। फिफ्थ, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो इस सिचुएशन में आपको कम्प्लीटली नॉनवेज अवॉइड करना है। वायरस पे अब तक इलाज सामने नहीं आया है, बट इंडिया में ये एक ही केस मिला है और उसको भी आइसोलेटेड किया जा चुका है, अलग तरीके से उसको हेल्थ केयर मिल रही है। इस वायरस से हमें डरना नहीं है बल्कि समझ लेना है और इसके खतरे से बचने के लिए जो भी उपाय सजेस्ट किए गए हैं उसे फॉलो करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।